हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मज़ेदार से मिल्क शेक्स, आइसक्रीम्स और शरबतों के साथ तो छुट्टियों के खूब मज़े ले रहे होंगे। छुट्टियों के मज़े को दुगना करते हुए चलिए आज हम कुछ बेक करेंगे। कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे पानी। पानी लेंगे हम रूम टेम्परेचर पे। आज की रेसिपी के लिए हम जितना पानी लेंगे उससे डबल यानी दुगना लेंगे मैदा। आज की रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ 3 कप पानी, तो इसमें हम यूज़ करेंगे 6 कप मैदा। जिस कप से हम पानी मेजर कर रहे हैं उसी कप से हम मैदा लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद इस तरीके से मिक्स करते हुए पानी में नमक को अच्छे से घोल लेंगे। देखिए, नमक तो पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। जिस कप से मैंने पानी मेजर किया है उसी कप से मैदा भी मेजर करके रखा है। मैदा मैं ले रही हूँ 6 कप। इसमें मैदा डालने के बाद इस तरीके से हाथ से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। किसी मैदे में 3 कप पानी लगेगा तो किसी में कम लगेगा। आपने मैदा कैसे मेजर किया है और इसकी क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। 3 कप से ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, 3 कप से कम लग सकता है, लेकिन 3 कप से ज़्यादा पानी नहीं लगेगा 6 कप मैदे को गूंदने के लिए। इसे अच्छे से गूंदने के बाद अब इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून बटर और इसे दोबारा से अच्छे से गूंद लेंगे। मैदे को अच्छे से गूंदने के बाद इस तरीके से कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे रेस्ट करते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। आज की रेसिपी में तकरीबन 200 ग्राम बटर यूज़ करेंगे। हाथ पे पहले हम थोड़ा सा बटर लगाकर इस तरीके से मैदे को इस बाउल से निकाल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से रोल करते हुए इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, फिर इसके हम पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से रोल करते वक्त ये हाथ पे चिपकने लगेगा तो थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर बटर हाथ पे लगा सकते हैं। पहले इस तरीके से लंबाई में इसके 2 हिस्से कर लेंगे। इस तरीके के कटर से या फिर कोई भी नाइफ से पहले हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से 2 पीसेस में कट करने के बाद अब इस तरीके से छोटे पीसेस काटेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। अगर नाइफ पे या फिर इस कटर पे मैदा चिपक रहा हो तो थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर बटर से इसे ग्रीस कर सकते हैं। इस तरीके से कट करने के बाद चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पहले हम इन सभी के पेड़े बना लेंगे, उसके बाद ही इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आटा बहुत ही नरम है, तो इस तरीके से पेड़े बनाते वक्त अगर ये हाथ पे चिपकने लगेगा तो हाथ पे थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर बटर लगा सकते हैं। देखिए, हमारे सारे पेड़े तो बन चुके हैं। चलिए अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे बेलने से पहले इस तरीके से इस पर बटर अच्छे से लगाएंगे। बटर लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। बटर अच्छे से लगाएंगे तो जब हम इसे रोल करके बेक करेंगे तो इसमें अच्छे से लेयर्स बनेंगे। देखिए, हमने सारे पेड़े तो बना लिया है। अब इन पेड़ों को एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ पर रोटी आसानी से बना सके। इस प्लेट को पहले हम बटर से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये पेड़े प्लेट से चिपके नहीं। अब इन सारे पेड़ों को प्लेट में शिफ्ट करेंगे। प्लेट में रखने के बाद इसे अच्छे से ढक के रखेंगे ताकि ये पेड़े सूखे नहीं। इसके बाद हम अगले स्टेप पर चलेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं या फिर हाथ पे और इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बटर लगाकर इस तरीके से इसे हाथ से फ्लैट कर लेंगे। आप चाहे तो पहले थोड़ा सा रोलिंग पिन से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन रोलिंग पिन से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैदा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा है, तो इस तरीके से हाथ से इसे आराम से फ्लैट कर सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसे पलटते हुए आहिस्ता से टैप करते हुए फ्लैट करेंगे। मज़ेदार से चिकन ब्रेड और वेज ब्रेड की रेसिपी तो आप देखे होंगे, वो भी बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उसे आई बटन से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से इसे फ्लैट करेंगे क्योंकि मैदा बहुत पतला है तो इसे बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से इसके साइड्स को पकड़ के आराम से खींचते हुए इसे जितनी पतली हो सके पतली करना है। इस तरीके से फ्लैट करते हुए इसे जितनी भी पतली कर सकते हैं पतली करना है। अगर फट भी जाएगी तो कोई बात नहीं, इस तरीके से इसे हम जॉइंट कर देंगे।
इसे खींचते वक्त इस तरीके से थोड़ा फट भी जाती है तो कोई बात नहीं, इसे हमें रोल करना है तो ये कवर हो जाएगी। इसके अंदर तलने के लिए मैंने चीज़ को श्रेड करके रख लिया है। इस तरीके से इसे फ्लैट करने के बाद अब हम इस पर डालेंगे श्रेड की हुई चीज़ को हम इस पर स्प्रेड करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ डालने की तो ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इसमें चीज़ डालने के बाद अब इसके साइड्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये सारा प्रोसेस बहुत ही एहतियात से करना है क्योंकि मैदा भी हमने बहुत ही पतला गूंदा है और ये रोटी भी बिल्कुल पतली बेली है, तो इसे फोल्ड करते वक्त बहुत ही एहतियात से फोल्ड करेंगे। इसका एक साइड को उठाकर इस तरीके से आहिस्ता से घुमाते हुए फोल्ड करेंगे। हमने जो प्लेटफॉर्म पे बटर लगाया था उसकी वजह से इसे आराम से फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म पे बटर या फिर सूखा मैदा नहीं लगाते तो इसे इस तरीके से फोल्ड करने में मुश्किल होती, वो फोल्ड करते वक्त रोटी फट जाती है। इसलिए रोटी बनाते वक्त प्लेटफॉर्म को बटर से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो अच्छे से रोल हो चुका है, अब हम इसे रखेंगे साइड पे। इसी तरीके से बचे हुए पेड़ों के भी रोल हम बना लेंगे। जिस ट्रे में हमें इसे बेक करना है उस ट्रे को चलिए हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसे बेक करने के लिए मैं केक की टिन ले रही हूँ, इसके साइड्स को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, केक की टिन को तो हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। चलिए पहले हम इसी तरीके के सारे रोल बना लेंगे, उसके बाद हम केक की टिन में इसे शिफ्ट करेंगे। अब इस रोल को इस सरफेस पर रखेंगे। सरफेस पर रखने से पहले हम थोड़ा बटर से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये रोल बाद में हमें निकालने में आसानी हो जाए। चलिए अब हम इसी तरीके से अगला रोल भी बना लेंगे। हाथ पर थोड़ा सा बटर लगाकर इसका इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। अब पेड़े को हल्के से फ्लैट कर लेंगे। आप चाहे तो सरफेस पे थोड़ा बटर लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से सूखा मैदा डस्ट करके भी इसे फ्लैट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करेंगे, बस इसे हल्का से फ्लैट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। देखिए, इसे हल्के से फ्लैट करने के बाद अब इसे रखते हैं साइड पे। अब इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बना लेंगे। ये जो पहले छोटी रोटी बना के रखे हैं उस पे पहले हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ये मैदा इतना नरम होता है कि इसे बिना रोलिंग पिन के भी फ्लैट कर सकते हैं। देखिए, हमारी ये दूसरी रोटी भी बन चुकी है। अब इस रोटी को, ये पहली जो हम रोटी बना के रखे हैं उस पे रखेंगे और इस तरीके से इसे खींचते हुए लेवल कर लेंगे और इस तरीके से हाथ से आहिस्ता से टैप करते हुए इसे फ्लैट करेंगे। आप इसे जितनी पतली कर सकते हैं पतली करें। इसके अतराफ से इस तरीके से आहिस्ता से इसे खींचते हुए पतली करेंगे। आप इसे जितनी पतली कर सकते हैं पतली करेंगे क्योंकि अगर ये मोटी रहेगी तो अच्छे से बेक नहीं होगी। इसकी हम जितनी पतली रोटी बेलेंगे तो उतनी ही अच्छी बेक होगी। अगर ये मोटी रह जाएगी तो बेक ठीक से नहीं हो पाएगी। इस तरीके से इसे आहिस्ता से खींचते हुए भी इसे पतली कर सकते हैं। अगर इस तरीके से खींचने पर साइड्स थोड़े से फटते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे आहिस्ता से खींचते हुए पतली करेंगे। देखिए, हमारी दूसरी रोटी भी बन चुकी है। अब हम इस पर भी चीज़ स्प्रेड करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि इस तरीके की मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के मज़ेदार रेसिपीज आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। आहिस्ता से इस तरीके से घुमाते हुए इसे भी रोल कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से कोई लंबी ट्रे में डालकर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे केक की टिन में बेक करने वाली हूँ। इस केक की टिन को इस तरीके से अलग कर लेंगे। इस रोल को इस टिन में अरेंज करने के बाद में हम फिर इसे अटैच करके बेक करेंगे। इस तरीके से एक किनारा लेकर बीच में रखेंगे और इसे इस तरीके से घुमाते हुए रोल करेंगे। देखिए, ये रोल तो अच्छे से हमने इसमें रख दिया है। अब बचे हुए रोल को भी बनाकर इसी तरीके से ट्रे में अरेंज करेंगे। इस रेसिपी में तकरीबन 200 ग्राम बटर यूज़ होगा। पहले पेड़े पर हमने थोड़ा बटर लगाया है।
उसके बाद इस तरीके से दूसरा पेड़ा रखने के बाद आहिस्ता से हाथ से फ्लैट करेंगे। रोलिंग पिन से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं या फिर हाथ से भी फ्लैट कर सकते हैं। ये बहुत पतला होता है तो रोलिंग पिन की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि रोलिंग पिन से फ्लैट करना आसान है तो आप कर सकते हैं। पहले हाथ से इस तरीके से टैप करते हुए फ्लैट करेंगे, जितना आप इसे फ्लैट कर सकते हैं करेंगे। उसके बाद आहिस्ता से इसके किनारों को पकड़ते हुए इस तरीके से खींचेंगे और इसे बड़ा करेंगे। बिल्कुल आहिस्ता से उठाएंगे और आराम से इसे इस तरीके से खींचेंगे। ऐसा करने में कभी कभी रोटी फट भी जाती है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से इसके सारे साइड्स को पकड़ते हुए आहिस्ता से खींचेंगे। ऐसे करने से भी रोटी पतली होगी। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे रोटियों के इस तरीके से बेलने के बाद रोल बना लेंगे। चलिए ये तो फ्लैट हो चुकी है, अब हम इस पर डालेंगे चीज़। इसके तीनों साइड्स को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके चौथे साइड से इस तरीके से पकड़कर हम आहिस्ता से घुमाते हुए रोल करेंगे। ओवन को पहले हम 180 डिग्रीज पर प्रीहीट कर लेंगे, उसके बाद ही इसे हम बेक करेंगे। अच्छा, बेकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि हम जो भी आइटम हम बेक करें उसे कम से कम 20 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक उसे बेक होने के बाद टच नहीं करना है। बेकिंग के बाद अराउंड 30 मिनट्स तक उसे हम उसी तरीके से छोड़ देंगे तो उसकी गर्मी में भी उसकी बेकिंग का प्रोसेस चलते रहता है। अगर हम उससे पहले ही इसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये अंदर से ठंडा हो जाएगा तो इसकी बेकिंग का प्रोसेस रुक जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। कोई भी बेक की हुई चीज़ उसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही कट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए इस तरीके से सारे रोल्स को हम प्लेट में अरेंज कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे इसी तरीके से भी बेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे साइड से जो हम टिन निकाले हैं उसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद ही हम इसे बेक करेंगे। चलिए इसके साइड्स को भी हम पहले बटर से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद इसे फिक्स कर देंगे। देखिए ये तो हमारा बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे बेक करेंगे। आप किसी किचन टेबल से या फिर कोई भी लिड या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से भी इसे कवर कर सकते हैं। इसे रेस्ट करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम बेक करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसे बेक करने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध लगाएंगे ताकि इसका ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आप चाहे तो अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसके ऊपर दूध लगाऊंगी। इस तरीके से ब्रश से इसके ऊपर दूध से अच्छा से कोट करेंगे ताकि इसके ऊपर बढ़िया से गोल्डन कलर आ जाए। इस तरीके से इस पर दूध लगाने के बाद प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे तकरीबन 30 मिनट्स तक इसे बेक करेंगे। किसी ओवन में इसे बेक होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है तो किसी में कम लग सकता है। इस तरीके का कलर आते ही इसे ओवन से निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही इसे कट करेंगे। देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से बेक हो चुका है, इस पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इस पर बटर लगाएंगे। ओवन से निकालने के बाद इस तरीके से बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसे ढककर तकरीबन 30 मिनट्स तक छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हम इसे कट करके सर्व करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।